मैंने अपना पहला फॉर्म सीपीयू वही भरा, तो सीपीयू मेरा पहला एग्जाम था जिसको मैंने सीरियसली लिया था, और लकीली मतलब प्री हुआ, फिर प्री के बाद मैंने उसको ज़्यादा सीरियसली लिया ज़्यादा। फिजिकल हुआ मेरा अजमेर में, फिर मेंस दिल्ली में, और उसी के बाद मेरा मेडिकल भी दिल्ली में, और एक साल के अंदर सारा प्रोसेस कम्प्लीट हुआ। और लास्ट ईयर मैंने 12 सितंबर 2023 को ITAP ज्वाइन की, और एक साल की ट्रेनिंग के बाद हमारा बैच 9 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, और अब एक साल के बाद 30 सितंबर 2024 को हमारी पी होती हुई। वो पल बहुत खूबसूरत था, बहुत इमोशनल था हमारे लिए, क्योंकि हमें पता था कि एक ORS रैंक होती है फौज में, अदर रैंक्स कहते हैं जिन्हें, तो जब वो अपने ज़िंदगी के 25-30 साल देता है तब जाके उनको एक स्टार मिलता है, और ऐसे में अगर उनके बेटे को अगर एकदम से डायरेक्ट एंट्री में 2 स्टार मिले तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे एक कंधे पे स्टार मेरे पापा ने लगाया और एक कंधे पे मम्मी ने, तो बहुत बहुत अच्छा लगा था। यशवंत में वो ज़िद थी जो शायद बाकियों में इतनी ना हो, बाकी मैं भी एक नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, तलाश शायद मैं भी कर रहा था, लेकिन एक वर्दी का जो जुनून होता है वो काफ़ी था मेरे अंदर पहले से। जब पापा को देखा था कि हाँ एक वर्दी पहन रहे, एक बेल्ट पहने, टोपी लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पर भी, क्योंकि मेरे पापा भी ड्रिल के इंस्ट्रक्टर थे, और जब मैं उनको देखता था उनको तैयार होते हुए, तो एक ड्रिल कहते हैं सबसे तक वर्दी जो होती है वो ड्रिल के उस्तादी पहनता और वही पहनना सिखाता, तो उनको देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी, तो इसीलिए मैंने भी फिर बाकी से थोड़ा एक्स्ट्रा शायद मेहनत करी हो वो सोच के। मैं कहूँगा मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि फोर्स में ही आओ, जहाँ आप जाना चाहते हो, जहाँ आपको लगता है कि आपको बुला रही हो फोर्स या वो आपकी जॉब बुला रही है, आपकी पसंद की है, आप वहाँ जाओ, जहाँ जा रहे हो वहाँ पर भी जान लगा दो, क्योंकि वहाँ नहीं पहुँचे तो फिर उसमें रहोगे कि काश मैंने थोड़ी और मेहनत कर ली होती।